कहते हैं कि अगर मन में हौसला हो और कुछ करने की चाहत हो, तब चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो इंसान को सफल होने से रोक नहीं सकती। और यही बात साबित करते हैं जोफ्रा आर्चर, जिन्होंने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें क्रिकेटर बनना है। उनका जन्म तो बारबाडोस में हुआ और वो वेस्टइंडीज की अंडर 19 टीम से भी खेले, और बाद में उन्हें वेस्टइंडीज टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, जिससे जोफ्रा आर्चर बहुत निराश हुए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार संघर्ष करते रहे, जिसकी बदौलत उन्हें इंग्लैंड टीम में जगह मिली। और आज के समय में जोफ्रा आर्चर दुनिया के सबसे बेहतरीन और घातक गेंदबाजों में से एक है, जो कि अपनी तेज रफ्तार और खतरनाक बाउंसर्स के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं। आज हम आपको सेलिब्रिटी सीक्रेट्स के इस वीडियो में जोफ्रा आर्चर की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जोफ्रा आर्चर का जन्म 1 अप्रैल 1995 को बारबाडोस के ब्रिजटाउन में हुआ था। इनके पिता का नाम फ्रैंक आर्चर है, जो कि एक ब्रिटिश निवासी थे, और इनकी माँ का नाम जॉली है, जो कि कैरेबियन कंट्री बारबाडोस की है। जोफ्रा आर्चर को बचपन से ही क्रिकेट खेलना काफी पसंद था और वो एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। वैसे आपको बता दें कि बारबाडोस में क्रिकेट के खेल को काफी पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से शुरुआत से ही जोफ्रा आर्चर के अंदर क्रिकेट का कीड़ा था। जोफ्रा आर्चर ने अपनी स्कूली पढ़ाई ब्रिजटाउन के ही एक स्कूल से की, और अपने स्कूलिंग के दौरान जोफ्रा आर्चर अपने स्कूल के लिए क्रिकेट भी खेलते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जोफ्रा आर्चर उस समय स्पिन गेंदबाजी किया करते थे और बतौर बल्लेबाज ओपनिंग भी करते थे, और अपने लाजवाब टैलेंट की वजह से ही वो अपने स्कूल की टीम को कई बार चैंपियनशिप भी जिता चुके थे। वैसे आपको बता दें कि कैरेबियन कंट्री खासकर तेज गेंदबाजों के लिए ही जाना जाता रहा है, और इसके साथ ही लोग यहाँ पर भी फास्ट बॉलर बनना पसंद करते हैं। लेकिन जोफ्रा आर्चर की कदकाठी बाकी बच्चों की तरह नहीं थी, इसलिए उन्होंने शुरुआती समय में स्पिन गेंदबाजी को अपनाया था। लेकिन बाद में जोफ्रा आर्चर को लगा कि वो तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं, जिसके बाद 2013 आते आते जोफ्रा आर्चर ने भी तेज गेंदबाजी को अपना हथियार बना लिया, और फिर यहीं से जोफ्रा आर्चर निकल पड़े अपनी एक नई मंजिल की ओर। और देखते ही देखते जोफ्रा आर्चर काफी अच्छी तेज गेंदबाजी करने लगे। शुरुआत में जोफ्रा आर्चर का जूनियर क्रिकेट काफी अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से जोफ्रा आर्चर का सिलेक्शन वेस्टइंडीज की अंडर 19 टीम में हुआ। लेकिन 2014 में जोफ्रा आर्चर को वेस्टइंडीज की अंडर 19 टीम के वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया, जिसके बाद जोफ्रा आर्चर काफी निराश हो जाते हैं। इसके बाद जोफ्रा आर्चर और भी जीतोड़ मेहनत करने लगते हैं और लगातार क्रिकेट खेलते रहते हैं। तभी 2015 में जोफ्रा आर्चर की लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट क्रिस जॉर्डन लेकर आते हैं। क्रिस जॉर्डन जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनका जन्म भी बारबाडोस में हुआ था। 2015 में क्रिस जॉर्डन बारबाडोस आते हैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, जहां पर क्रिकेट खेलते वक्त उनकी मुलाकात होती है जोफ्रा आर्चर से। आर्चर उस समय गेंदबाजी कर रहे थे और क्रिस जॉर्डन बल्लेबाजी कर रहे थे, और विकेट के पीछे शे होप थे, जो कि वेस्ट इंडीज के लिए अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। शे होप क्रिस जॉर्डन से कहते हैं कि जोफ्रा आर्चर से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ये बहुत ही तेज गेंदबाजी करते हैं और इनका बाउंसर भी काफी खतरनाक है। लेकिन उस टाइम क्रिस जॉर्डन को लगा नहीं कि जोफ्रा आर्चर उन्हें तंग कर पाएंगे, पर आर्चर ने जब क्रिस जॉर्डन को गेंद कराई तो वाकई में क्रिस जॉर्डन भी आर्चर की गेंद को नहीं समझ पाए, और जोफ्रा आर्चर की बाउंसर ने क्रिस जॉर्डन को काफी परेशान किया, जिसके बाद क्रिस जॉर्डन को लगा कि वाकई में जोफ्रा आर्चर के अंदर स्पेशल टैलेंट है। क्रिस जॉर्डन उस समय इंग्लैंड में सुसेक्स की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। इसके बाद क्रिस जॉर्डन इंग्लैंड वापस जाते हैं और सुसेक्स की मैनेजमेंट टीम से जोफ्रा आर्चर के बारे में बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि जोफ्रा आर्चर के अंदर एक स्पेशल टैलेंट है, उनकी बॉलिंग स्पीड, लाइन लेंथ और बाउंसर काफी बेहतरीन है। जिसके बाद 2015 में सुसेक्स टीम की तरफ से जोफ्रा आर्चर को साइन किया जाता है, जहां पर जोफ्रा आर्चर ने अपनी गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित किया, और इस तरह से जोफ्रा आर्चर के इंग्लैंड क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई। और अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू के बाद जोफ्रा आर्चर ने अपनी गेंदबाजी का ऐसा छाप छोड़ा कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग IPL 2018 में उन्हें खेलने का मौका मिला, और जोफ्रा आर्चर को साल 2018 में हुई नीलामी के दौरान अपनी अपनी टीम में शामिल करने के लिए टीमों के बीच होड़ मच गई थी।
40 लाख रुपए बेस प्राइस वाले आर्चर को खरीदने के लिए 49 बार बोली लगी थी। राजस्थान रॉयल्स सहित 5 टीमें दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, किंग्स इलेवन पंजाब और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जोफ्रा आर्चर को लेकर जंग छिड़ी थी, लेकिन अंत में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जोफ्रा आर्चर को अपने बेस प्राइस से 18 गुना ज्यादा कीमत देकर 7,20,00,000 रुपए में खरीदा था। और आर्चर ने भी आईपीएल में कई शानदार गेंदबाजी डालकर अपने प्राइस टैग को बखूबी भी साबित किया। और यही समय था जब सभी को लगने लगा था कि इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में जोफ्रा आर्चर को भी होना चाहिए, लेकिन जोफ्रा आर्चर के लिए इंग्लैंड की वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाना मुश्किल ही नहीं असंभव था, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के नियमों के मुताबिक जोफ्रा आर्चर को कम से कम 7 साल तक इंग्लैंड के नागरिक के रूप में देश के अंदर रहना पड़ता और तभी जाकर उन्हें टीम में जगह मिल पाती। और अगर इस तरह से उस टाइम ये नियम देखा जाता तो जोफ्रा आर्चर 2022 से पहले इंग्लैंड की ओर से नहीं खेल सकते थे, लेकिन उस समय किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से कुछ समय पहले ही अपने नियमों में बदलाव किया और इंग्लैंड में 7 साल तक रहने वाले नियम को हटाकर 3 साल कर दिया गया और इस तरह से अब जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की टीम से खेल सकते थे, जिसके बाद 3 मई 2019 को जोफ्रा आर्चर ने आयरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड की तरफ से अपना इंटरनेशनल ओडीआई डेब्यू किया और अपनी टीम इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि वर्ल्ड कप के लिए जब इंग्लैंड टीम की पहली स्क्वाड का ऐलान किया गया तब उसमें जोफ्रा आर्चर का नाम नहीं था, लेकिन फिर इस पर कई बड़े खिलाड़ियों ने भी आपत्ति जताई थी, लेकिन आगे चलकर बाद में इंग्लैंड की फाइनल वर्ल्ड कप टीम में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। और फिर यहाँ से आगे खेलते हुए जोफ्रा आर्चर ने अपने परफॉर्मेंस के दम पर दिखा दिया कि वो किसी भी टीम के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की तरफ से वर्ल्ड कप 2019 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे और इंग्लैंड को वर्ल्ड कप फाइनल जिताने में जोफ्रा आर्चर का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि सुपर ओवर तो आप सभी को याद होगा जो जोफ्रा आर्चर ने किया था। आखिरी गेंद पर न्यूजीलैंड को 2 रन चाहिए थे, लेकिन आर्चर ने न्यूजीलैंड को रोका और पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप विनर बना दिया। इसके बाद जोफ्रा आर्चर ने 14 अगस्त 2019 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया और जोफ्रा आर्चर का टेस्ट मैच डेब्यू भी काफी शानदार रहा। अगर एशेज का लॉर्ड टेस्ट दुनिया को याद रहेगा तो जोफ्रा आर्चर की रफ्तार और बाउंसर भी याद रहेगी। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में जोफ्रा आर्चर ने अपनी रफ्तार और बाउंसर से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। वहीं अगर इस टेस्ट मैच की हाईलाइट देखें तो वो था स्टीव स्मिथ और जोफ्रा आर्चर का बैटल। स्टीव स्मिथ जो कि वर्ल्ड के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज हैं और दूसरी तरफ जोफ्रा आर्चर जो अपना टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे थे, लेकिन उन्हें दुनिया को ये दिखाना था कि वो जितने इफेक्टिव छोटे फॉर्मेट में हैं उतने ही दमदार वो टेस्ट मैच में भी हो सकते हैं और जोफ्रा आर्चर ने ये कर दिखाया। जोफ्रा आर्चर की एक तेज गेंद स्टीव स्मिथ के गर्दन पर जाकर लगती है और स्टीव स्मिथ रिकवर नहीं कर पाते और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ता है। इसके बाद वो बल्लेबाजी करने जरूर आते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग में रिकवर नहीं हो पाने की वजह से वो बैटिंग नहीं कर पाते और उन्हें तीसरे टेस्ट मैच से भी बाहर होना पड़ता है। और ये पहली बार नहीं था जब जोफ्रा आर्चर की तेज रफ्तार और बाउंसर ने बल्लेबाजों को परेशान किया है। चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, महेंद्र सिंह धोनी हो या विराट कोहली हो, सबको आर्चर की रफ्तार ने तंग किया है। इस तरह जोफ्रा आर्चर तीनों फॉर्मेट वनडे, टी20 और टेस्ट मैच में काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं। तो ये थी जोफ्रा आर्चर की कहानी और उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।